कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए जहां एक तरफ म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी बहुत अच्छे से अपने काम को अंजाम दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ जाट का कहना है कि हमारे पास डंपिंग पॉइंट ना होने के कारण हमें कूड़ा कचरा नए बस स्टैंड पे फेंकना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों में काफी रोष है। इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो कूड़ा कचरा नए बस स्टैंड में फेंका जा रहा है और यहाँ पर पशु आकर उसी कचरे को खाते हैं, जिसके कारण कोरोना वायरस बढ़ने का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर पशुओं में ये बीमारी फैल गई तो इससे निजात पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये डंपिंग स्टेशन बनाया म्युनिसिपल राजौरी ने, आज ये कोरोना वायरस जो चल रहा है COVID-19 जैसी बीमारी महामारी चल रही है, उसके रहते भी ये मुझे लग रहा है म्युनिसिपल राजौरी को यहाँ पे कुछ इसको शुद्ध लेने की जगह नहीं है। ये बस स्टैंड राजौरी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यू बस स्टैंड सलानीपुर में, यहाँ पे ये मवेशी इस गंद के बीच में कैसे, और यहाँ पे जो मास्क यूजेबल हुए हुए वो भी बीच में पड़े हुए हैं और हर चीज है, और ये बीमारी अगर इन जानवरों में फैल गई और इस बीमारी को रोकने का फिर यहाँ पे कोई साधन नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ हमारा ऑरेंज जोन आया हुआ है, ये रेड जोन में ना चला जाए, इस बीमारी यहाँ से ना फैल जाए, क्योंकि सफाई बड़ी जरूरी है और यहाँ पे गंद बहुत है। और मैं म्युनिसिपल राजौरी से एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से यही अपील करता हूँ और मैं कहता हूँ ये डंपिंग स्टेशन को यहाँ से खत्म किया जाए, या डंप डाल दें या कहीं और डालें या इसको कुछ ऐसा करके यहाँ से निकाला जाए। ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे दुकान से यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और देखो यहाँ पे लोग आते हैं, और अभी तो चलो COVID-19 के कारण यहाँ पे कुछ है नहीं है, लेकिन वैसे ही यहाँ पे बड़ी महामारी ये गंद के कारण कुछ फैल सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये कहूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि कृपया करके इस गंद को यहाँ से उठवाया जाए, या फिर यहाँ पे जो डंपिंग स्टेशन है कहीं और बनाया जाए, बीच में बस स्टैंड के अंदर ही डंपिंग स्टेशन बनाना कहीं की शुद्ध लेने वाला काम नहीं है। जब हमारे संवाददाता शिवम बख्शी ने चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार जिला इंतजामिया व LG इंतजामिया के साथ भी संपर्क किया है कि हमें कोई जगह नियुक्त की जाए जहां हम एक डंपिंग पॉइंट के साथ साथ वेस्ट रिसाइकल यूनिट बनाएं, जिससे सारी मुश्किलों का हल निकल जाए। म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी ने COVID-19 को लेकर मतलब जितने भी इकदाम उठाने थे वो बड़े टाइमली उठाए थे, इसके कारण हमने चाहे वो पहले फेज की सैनिटाइजेशन हो या दूसरे फेज की हो, हमने हर घर हर मोहल्ला हर गली और हर सरकारी ऑफिस तक हम पहुंचे। इवन जितने भी हमारे आर्मी के थे या अपना उसके अलावा जो हमारे पेरिफेरीज में भी अगर कोई सरकारी ऑफिस थे जहां पे लोगों को आना जाना था, वहां पे भी हमारे जो लोगों ने वो सैनिटाइजेशन का काम बड़े अच्छे तरीके से किया है। और शहर की जो मेन मार्केट है इसमें तो हमने 3 या 4 बार हमने जो है वो सैनिटाइजेशन का काम कर दिया हुआ है। हमारा जो म्युनिसिपैलिटी का जितना भी हमारा ये सैनिटाइजेशन का विंग था वो इस चीज को इसलिए मतलब लेके ज्यादा प्रिपेयर था क्योंकि पिछले साल भी हमने जब ये मौसम बदलता है तो हमने सैनिटाइजेशन का काम किया था, और इस बार भी अब गर्मी लगने वाली थी तो हम पहले से प्रिपेयर थे कि जिस तरह से जो सीजन बदलने पे जो हम जो सैनिटाइजेशन का काम करते हैं तो हमने वो वैसे भी करना था। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल आपका जो सवाल है ये बड़ा बजा है, जायज है। म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी इतना बड़ा टाउन है और राजौरी और पुंछ का ये एक बड़ा शहर, आप इवन ये भी कह सकते हो कि जम्मू के बाद अगर जम्मू डिवीजन में ये एक बड़ा सिटी, लेकिन इसके पास कोई ऐसा पीस ऑफ लैंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हम कचरा उठा के रखें। आज हमारा जो रिसाइकलिंग यूनिट है 4 करोड़ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा सेंक्शन है, लेकिन जगह ना होने की वजह से वो कहीं किसी जगह पे उसको हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। ये हमारी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है नहीं है, आज से 40-50 साल कबल ये मसला हल हो जाना चाहिए था। अगर आप पिछले इतना 60-70 साल पुराने शहर को इस चीज से मतलब दूर रखा गया उसको, ये चीज उसको नहीं मिल पाई, तो ये मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आज तक हमें नहीं मिल पाई। आज अगर हमें शहर के अंदर मसला होता है सफाई का, अब जो सफाई कर्मचारी है या सफाई करने वाला जो हमारा सैनिटेशन जो विंग है वो पूरा ज्यादा जो परेशान है, हम पूरे इस चीज को लेकर परेशान है कि हम कचरा तो उठाएं लेकिन कचरे को छोड़े कहां। पहला अगर हम यहां से किसी जगह पे चोरी भी जाके कचरा डालते तो वो भी गलत बात है, हम किसी जंगल के किसी पोस्टर में अगर डालें, आज आप देख लो कि राजौरी इस पूरे इलाके में कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां पे कोई ना कोई रह ही रहा है, जहां पे भी हम कचरा लेके जाते हैं वो है भी इलीगल ऐसे डालना, क्योंकि जब तक कोई पार्टिकुलर प्लेस उसके लिए स्पेसिफिक डेजिग्नेट नहीं होता है वो रखा नहीं जाता है, तो तब तक हम वहां डाल भी नहीं सकते। अब जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी हमने यहाँ पे बैठ के मैंने तो इवन ये अपना एडवाइजर साहब तक जो हमारे पहले KK शर्मा साहब थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब तक, डायरेक्टर साहब तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक अपने रेगुलर रेफर्स किए हैं
पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त में हमने थोड़ा सा ये अपना कोड दरा के एक पार्ट में हमने थोड़ा सा इसमें वर्क भी स्टार्ट किया था अपनी मशीनें लेके, वहां पे बाद में लोगों के साथ टकराव भी हो गया, फिर किसी कारण वो उस वक्त बंद हो गया क्योंकि 370 और 35A का मसला आया, तो वो हमें उस वक्त छोड़ना पड़ा, बंद करना पड़ा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का रिशफल हो गया। अब जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी इस चीज को लेकर बड़ा संजीदा है, जिससे आपने काफी बार हमें कहा भी है, हम बैठे भी हैं इस बारी, ये लैंड जो है वो वहाँ हमारे म्यूनसिपैलिटी के नाम पे अगर ट्रांसफर हो जाती है तो म्यूनसिपैलिटी के अपने रिसोर्सेज से खर्चा करके उस लैंड को मैनेज भी कर लेगी, क्योंकि लैंड को पहले हमने तैयार करके रहना है, जब लैंड पूरी लेवल करके तैयार करके हम देंगे तो उसके बाद वो यूनिट वहां पे एस्टैब्लिश होगा। और लोगों के अंदर एक गलत मैसेज लोगों ने फैलाए हुए हैं कि भाई यहाँ पे वो जो कचरा यहाँ पे आएगा उससे यहाँ पे स्मेल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिसाइकलिंग जब यूनिट लगेगा तो वो पूरा एक प्रोटेक्टिव कवर होगा पूरा, वहां पे उस इलाके के नौजवानों को मतलब मौका मिलेगा काम करने का, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं होगा, इससे काफी सारा जो हमारा जो कचरा जाएगा ये रिसाइकल होगा, इससे काफी सारी चीजें निकलेंगी, खाद निकलेगा और मतलब ये पॉलिथीन निकलेगा, बाकी काफी सारी मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा। आज सारी दुनिया के अंदर कचरे की बहुत बड़ी कीमत है, आप कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कचरे से काफी सारी चीजें जो बनाती है और वही चीजें आज हम खुशी खुशी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब वही यूनिट अगर हमारे अपने शहर में लगता है तो लोग दूसरे को मिसगाइड करते हैं, एक्सप्लाइट करते हैं कि ये नहीं लगना चाहिए। मैं आपका ये जो सवाल है मैं इसको लेके मैं खुद चाहता हूँ कि मतलब ये मसला जल्द से जल्द हल हो। देखो आप गर्मियों का मौसम है, हम जाके बस स्टैंड पे डालेंगे या किसी भी जगह पे डालेंगे, वहां पे दाया बाया आबादी रह रही है, राजनीतिक रियाज है, उन लोगों को भी परेशानी होती है और हमें डालते हुए भी कितना परेशानी है। आज कल मान लो कल कोई अगर कुछ इस तरह की कोई अगर इंस्पेक्शन आती है और म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी पे फाइन इम्पोज होता है तो यहाँ के जो इम्प्लाइज है, यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो सारी रुक जाएगी। लेकिन मैंने तो पिछले जो मीटिंग थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर साहब के साथ, उसमें मैंने एक उनको मेमोरेंडम दिया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के बिहाफ पे कि अगर किसी भी तरह की जो पेनल्टी लगती है म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी को तो उसकी जिम्मेदार डायरेक्ट एलजी इंतजामिया होगी, क्योंकि ये जमीन जो प्रोवाइड करनी है ये एलजी इंतजामिया ने प्रोवाइड करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है। और एडमिनिस्ट्रेशन का आप जो ये लॉकडाउन है और लॉकडाउन से बिफोर उन्होंने जिस साहब ने इसमें काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया था और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जल्द हम हल कर लेंगे, लेकिन आज तक ना हल हो पाना ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इतना बड़ा पुराना शहर और इतने अरसे से मतलब उसके पास जमीन ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास एक और इसके अलावा जो ऑप्शन है वो यही है कि आज हम इतना तंग आ गए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हम एक महीना या दो महीना हम अगर इसमें हमें कोई कॉपरेट नहीं करेगा तो हम कचरा उठाना छोड़ देंगे, लोग खुद जब सड़कों पर निकलेंगे अपना बाहर आएंगे तो ये मसला तब जाके हल हो सकता है, ऐसे मुझे लगता नहीं कि ये हल हो पाएगा।